बारिश का दौर चल रहा है, मतगणना भी चल रही है, मैं भी सब लोगों तक पहुंच रहा हूं, अलग अलग खेमों में पहुंचता हूं, लोग खुश हो जाते एकदम। और बीजेपी वाले तो आज तो मतलब यूँ है कि मन तो धार ही नहीं रहा है, मारी स्थिति है। तो अभी मैं आ गया हूँ सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, कुंभलगढ़ से हैट्रिक लगाने की लगभग तैयारी कर ली है, उनका परिवार अभी हमारे साथ है। हालांकि मैं अभी हरी सिंह जी के पुत्र से भी बात करके आया हूं। अमूमन मैंने देखा है कि सभी के परिवार राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सुरेंद्र सिंह जी का परिवार लो प्रोफाइल रहता था, पीछे से हमको क्या काम करना है, आपका नाम तो बाजार में आता था, आप कम दिखते थे कि पापा को लड़ने दो। थोड़ी धड़कने तो इस बार बड़ी होगी कि लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा टक्कर है, भाजपा में भी काफ़ी परेशानियाँ आ रही है। देखिए, मैं अपने कार्यकर्ता के भर से था और उन्होंने मुझे फर्स्ट डे से बोला था कि हम बहुत अच्छे वोटर जीतेंगे, तो हम आश्वस्त थे कि हम बहुत अच्छे वोटर जीतेंगे, तो मुझे कोई धड़कने बढ़ने का कोई काम नहीं था। दूसरी साइड जरूर धड़कने बढ़ रही थी, जो से मेरे फादर ने बोला था कि वो युवा दिलों की धड़कने हैं, तो वो शायद उनकी ज्यादा बढ़ रही थी, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो, युवा दिलों की धड़कने वाला डायलॉग भी बहुत चला था, और एक डायलॉग और चला था कि सुरेंद्र सिंह जी ने कहीं पर कहा था कि पिताजी नहीं हरा पाए पुत्र क्या हराएंगे। अब सुरेंद्र सिंह जी के पुत्र मेरे सामने, ये कह रहे मेरे पिताजी ने हरा दिया। ये राजनीतिक बातें इसी प्रकार से चलती है। तो हैट्रिक लग गई अब तो? जी बिल्कुल, लगता रहा है, अभी 18,000 प्लस हो गए हैं, तो हैट्रिक लग गई है। कि अभी 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 आप पूरे राउंड पे नजरें बनाए हुए हैं? नहीं, अब राउंड पे तो नजरें तो बनाए लगे हैं, पर लग तो रहा है कि 18,000 प्लस तो अच्छी लीड। अच्छा, आप भी वीडियो देखते थे? हाँ जी बिल्कुल। हमारे देखे कोई वीडियो? नहीं नहीं देखे आपने? आप अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको पता चलता है कि निर्दलीय कितना हंगामा कर रहे हैं और क्या उठा पटक हो रही है। इस बार बहुत मामला गड़बड़ है, परिवर्तन यात्रा में भी आपको कुछ ना कुछ नजर आता। अब परिवर्तन वहाँ हुआ नहीं है, पापा वापिस जीत गए? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास के साथ। विश्वास के साथ जी। यूँ यूँ यहाँ आके खड़े रहे, यूँ तो नहीं था कि जीत के पूरे समीकरण साधे फिर आए? नहीं नहीं, मैं खुद फील्ड में गई हूँ। फील्ड में गए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आप गए तो काउंटिंग चले इससे पहले आ गए थे हम। अच्छा, क्या 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 आश्वस्त थे पूरे? अरे 100% पहले ही पता था, हमें पहले पता था, अब तो सब यही कह रहे हैं। अरे अब पहले ही, हमें तो पहले ही पता था। ये विक्रम सिंह जी, इनसे मैंने पहले बात, ये साथ थे लगातार सुरेंद्र सिंह जी के, सब मैं उनका कवरेज करने जाता था, ये साथ मिलते थे। तो अभी वो आप देख रहे होंगे कि यार ये लोग वैसे उस वक्त तो हमारे खिलाफ चल रहे थे, पर रिजल्ट आया, अब हमारे पास आके खड़े हो रहे हैं। ऐसे भी देख रहे हो? देख रहे हो? नहीं नहीं, जो साथ थे वो हमेशा साथ ही हैं, और जो विपक्ष में, वो अभी आज भी विपक्ष में ही खड़े हैं। अच्छा, विपक्ष में खड़े? हाँ। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं वैसे? नहीं, वो कुछ कुछ होते हैं, वो हवा देखते हैं ना, दो दिन पहले क्या हवा चल रही है उस हिसाब से। एक सुरेंद्र सिंह जी के लिए एक बहुत फेमस बात है, बहुत पुरानी बात है, लोग कहते हैं सुरेंद्र सिंह जी डायरी में नोट करते हैं, ये मेरे खिलाफ था, ये मेरे खिलाफ था, इसको आने दो, इस बार इसको मजा चखाता हूँ। इस बार भी कोई डायरी वायरी बनाई क्या? एक लाल डायरी फेमस थी और हमारी दूसरी डायरी है, वो पड़ी हुई है। लाल डायरी फेमस थी, हमारी दूसरी डायरी है। दूसरी डायरी में क्या है, लोगों के नाम है या विकास क्या क्या करना है उसकी? जो काम करना है वो है, जो शिकायतें आई है कि भाई यहाँ पे काम कुछ नहीं हो पाए, वो नहीं है, वो पूरी करने की हमारी। व्यक्तिगत नुकसान आपको पता है, मेरे फादर ने आज तक कभी किसी का नहीं करा, तो हम उस पर विश्वास नहीं रखते हैं। व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया? नहीं। लोग तो कहते हैं दावेदार तैयार ही नहीं होने देते वहाँ। हुए ना इस बार, कितने हुए? पर आपने कहा 15% तो हुई, आप भी बता रहे हर जगह। हमने तो आधे तो हमने ही किए तैयार। आता तो थोड़ा बहुत कोई बैठ जाता तो मैं कहता खाना वाना रखो यार। अरे सबने, सब कार्यकर्ता भी जिम में, हमने भी सबको बोला कि जिम में जाकर कोई दिक्कत नहीं है, प्रसादी तो माता जी के नाम पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी आपके आए नहीं है, उनसे बात बात हो गई है आने के बाद की? बेफिक्र रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप तीन लोग खड़े हो, अब आपके लिए तो नहीं कहूँगा, बाकी भविष्य की राजनीति, लोग कहते हैं सुरेंद्र सिंह जी ने 7 चुनाव लड़ने हैं, 1993 से लेकर 2023 तक का सफर ये पूरा कर लिया है, ये लगभग जो परिणाम दिख रहे हैं उसमें 28 तक का ये राजनीतिक सफर चलना है, आप में से भी कोई राजनीति में आने का इच्छुक रहता है क्या? अभी तो नहीं, अभी तो देखो तैयारी चल रही है, मानो तैयारी। आपने ये देखो, ये होशियार है, इन्होंने मना भी किया और उधर इशारा भी किया। अभी तो 60 है मेरे फादर, अभी तो यंग है, पॉलिटिकल लाइफ तो 75 तक होती है। तो मैंने कहा, कब कहा कि अगला ही लड़ना है, मैं हो सकता है आगे तीन चार चुनाव बाद की बात कर रहा हूँ। तब की बात है, फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर किसने? विक्सा आपसे मिलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है बहुत, ये इनके चेहरे से ये शातिर राजनेता लगते हैं। इनके मुंह पे कुछ अलग है, आंखों में कुछ अलग है, दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। गुरुजी सुरेंद्र सिंह जी है ना, तो शातिर तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, तो गुरुजी की जीत पर यकीन था पहले से? 100% लोग वो एक नई चीज़ और करते हैं, आपको बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। लोग क्या करते हैं, हमारे पुराने वीडियो निकालते हैं जिसने कहा सुरेंद्र सिंह जी हार जाएंगे या दीप्ति माहेश्वरी हार जाएगी, तो उनकी कटिंग कर करके मीम बनाते हैं, फिर रील बना के चलाते हैं। तो ये ऐसी कुछ, ये भी आईटी वालों को जिम्मेदारी सौंप रहे हो आज भी? वो देखो, रुको जरा क्या होता है। ये देखो, ये मैं वैसे मोटा मोटी ज़्यादा गंभीर बातें करता नहीं हूँ, थोड़ी आपके चेहरे पर ऐसी आ जाए, थोड़ा यहाँ से फीडबैक निकल जाए,
इनसे भी बातें कर लेंगे, इनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएंगे तो फिर आगे वाले चुनाव में हो सकता है ये भी। आज देखो अब जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।